आप अक्सर कई नए आइडिया सोचते हैं, कई नए गोल सेट करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। कई ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं और काफी बार मोटिवेशन मिडवे खत्म भी हो जाता है। पर क्या आपको पता है कि आपके अपने गोल्स को हासिल ना कर पाने के पीछे हैं सिर्फ आपकी दो बुरी आदतें, और अगर आप इन दो छोटी छोटी आदतों को बदल दे तो आपका लक्ष्य आपसे सीधी दूरी पे होगा। हम सबकी एक बुरी आदत होती है अपनी प्रॉब्लम्स की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने फेलियर्स के पीछे बहाने ढूंढते रहना। फेल हो गया क्योंकि ट्यूशन टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ऑफिस आने में देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक में फंस गई थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि बॉस पार्शियलिटी करते हैं। जाने अनजाने में हमें ऐसी सोच पनपती है, ये हमें आगे बढ़ने और बेहतर होने से रोकती है। और वहीं एक सक्सेसफुल इंसान अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेता है। मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं लेट हो गई क्योंकि मैं घर से टाइम पे नहीं निकल पाई, अब मैं सवेरे और जल्दी उठकर टाइम से ऑफिस आऊंगी। मेरा काम इतना एफिशिएंट नहीं है जिससे मेरा जॉब अपग्रेड हो, अब मैं और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करूंगा। जब तक आप खुद के फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप कभी भी फिर से ट्राई नहीं करेंगे और उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सक्सेस आपकी पहुंच से हमेशा दूर रहेगी। इसीलिए हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले ये कहिए, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे सक्सेस मिलती है वो मेरी ही मेहनत के वजह से है, और अगर मैं फेल होता हूँ तो वो मेरी ही गलतियों की वजह से है। आपकी दूसरी प्रॉब्लम है आपकी प्रायोरिटाइजिंग वीक होना। जब आप अपने गोल सेट करते हैं तो आपको उसी हिसाब से टाइम प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उसी तरह अपना विजन एक्सपैंड करना चाहिए। मानिए आप एक सब्जी मंडी गए हैं, वहां आपने 5 किलो टमाटर और 6 किलो आलू खरीदे, लेकिन इतना ही लेने में आपने 1.5 घंटा पूरा कर दिया क्योंकि आपने 1 घंटा सिर्फ बार्गेनिंग में वेस्ट कर दिया। ऐसे तो हम कहते रहते हैं कि टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है, और फिर भी 10-15 रुपए के लिए आपने अपना ये प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया। एक समझदार व्यक्ति अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करता है जिससे वो अपनी प्रायोरिटीज को सही वजन दे सके और साथ ही अपने गोल्स के और करीब आ सके। अगर आप बड़ी चीजों को हासिल करना चाह रहे हैं और उनके लिए एम करते हैं तो छोटी छोटी चीजों में मत उलझिए, बल्कि अपने समय और रिसोर्सेज को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आज आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आज से 1 हफ्ते तक आप अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपनी प्रायोरिटी सेट करके अपनी एनर्जी और टाइम वहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये था आज का आपका मंडे मोटिवेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को काउंटर करना चाहते हैं। हम उनके सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंतर शक्ति को। धन्यवाद।